नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। हम प्रमाण के साथ बात करते हैं। सावरकर ने माफी मांगी थी, राहुल गांधी सच्चाई के साथ हैं, संसद से सड़क तक सच बोलते हैं। राहुल गांधी की बात गलत है तो भाजपा प्रमाण दे, कहा राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने। सुहागी पहाड़ पर वाहनों की गति 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। लगातार एक्सीडेंट को लेकर कलेक्टर रीवा का निर्देश। एसपी सहित सड़क सुरक्षा समिति के साथ एक्सीडेंट वाली जगह का पैदल किया निरीक्षण। मनगवा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे में ट्रक की ठोकर से फर्नीचर का काम करने वाले व्यक्ति की हुई मौत। परिजनों का सवाल, मनगवा कैसे पहुंचे, उनकी मोटरसाइकिल कहां है, पुलिस जांच करे। समान थाना अंतर्गत समान किराए पर 2 दिन पहले हुए एक्सीडेंट में घायल श्रमिक की हुई मौत। अज्ञात वाहन ने मारी थी ठोकर। श्रमिक की पहचान लाल सिंह खुखरी थाना गोहपारू के रूप में हुई। कक्षा 12वीं की लड़की को मां ने मोबाइल नहीं दिलाया, उसने चूहा मार खा ली थी। संजय गांधी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कल दोपहर तक उसकी हालत बेहतर थी, शाम होते होते लगभग 5 बजे उसकी मौत हो गई। इकरा वेलफेयर सोसाइटी का हुनार बच्चों का सम्मान समारोह रीवा के विषय मोहल्ले में सम्पन्न हुआ। इस दौरान अपनी अपनी कक्षा में बेहतर परिणाम देने वाले बच्चे सम्मानित किए गए। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।